बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप फाइन होंगे। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्यूटर क्लास का, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है, जो हम क्लास 9 है। और स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग हम जो है वो पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। इसके अंदर हमने जो आज डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन जो है, एल्गोरिथम इज अ एन एल्गोरिथम इज अ इज अ सेट ऑफ steps to solve a problem. It is written इन नेचुरल लैंग्वेज, जैसे हम लोग इंग्लिश वगैरह है उस लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन है इसकी। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल टी बनानी है, तो टी को बनाते वक्त हम जो है वो उसका जो तरीका लिखेंगे वो इसका सेट ऑफ स्टेप्स हो जाएगा, जैसा कि एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा सेट ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 पर हमने कहा कि स्टार्ट किया, नंबर 2 टेक अ पॉट, पोर वाटर हम इसमें कर लेते हैं, कैटल की मदद से कर लेते हैं, तो पोर वाटर इनटू द कैटल, कैटल में हम पानी भरेंगे और पानी भर के अब उसको जो है वो प्लग इन करना है कैटल को। प्लग इन द कैटल, प्लग इन कर लिया कैटल को स्विच के साथ, एंड ऑन द स्विच प्लग इन करने के बाद कैटल को स्विच को ऑन कर दिया। अब जाहिर है पानी बॉयल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने इसमें टी जो है वो डाल देनी है, और टी डाल दें इसमें इनटू द कैटल, फाइव। अब हमने इसको बॉयल करना है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, बॉयल
द वाटर जब बॉयल हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमने इसमें मिल्क शामिल कर देना है, शुगर शामिल कर देनी है, तो हम इसमें कह सकते हैं ऐड शुगर एंड मिल्क। ये करने के बाद ऐड अपनी मर्ज़ी से हमने उसके हिसाब से, तो ये करने के बाद हमने स्टूडेंट इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा बॉयल करना होता है, तो बॉयल फॉर 2 मिनट या हम कह सकते हैं बॉयल फॉर 5 मिनट। तो जी बन जाएगी चीज़ रेडी। तो 8 नंबर स्टेप्स, अब हमने इसको सर्व करना है, तो सर्व इन पोर द टी इन टू कप। एंड सर्व। स्टूडेंट नंबर 9 अब यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम, तो हम इसमें स्टॉप लिख देंगे। तो ये देखें एक सिंपल सा एल्गोरिदम हमने बनाया जो क्या कर रहा है, जो एक सेट ऑफ स्टेप्स को शो करा रहा है यहाँ पर, जैसा कि उसकी डेफिनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि सेट ऑफ स्टेप्स होता है। अब हमारी ये प्रॉब्लम थी फॉर मेकिंग टी, तो इसको सॉल्व कर रहा था, तो सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन से हमने देखो ये इंग्लिश में लिखा है, तो इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इस तरह से ये डेफिनेशन पूरी तरह से एलेबोरेट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये जो एल्गोरिदम होता है इसमें हम देखते हैं कि आपने देखा जैसे नेचुरल लैंग्वेज यूज़ हुई, तो इसलिए इजीली हम लोग अपने इसको बना लेते हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसके अंदर दिया हुआ है एल्गोरिदम के अंदर, वो है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें तो जो पहले स्कीम थी उसके हिसाब से तो इसमें एल्गोरिदम जो बनाते थे ये कम थ्योरी के पेपर में आते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि हमें प्रैक्टिकल्स के अंदर ये मुश्किल पेश ना आए। तो रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टॉपिक है इसके अंदर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स जो हम इसको देखते हैं, एक फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस पढ़ा, हमें पता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम हमें हम आइडेंटिफाई करते थे, प्रॉब्लम क्या है हमारी, मसला जो हमें पेश आता था, उसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाते थे। फ्लो चार्ट जो है हमने बनाना सीखा, तो मैं छोटा सा यहाँ पर बस वैसे ही इसकी नोटेशन दे देता हूँ जो इसमें सिंबल यूज़ हुए। तो ये फ्लो चार्ट हमने फॉर एग्जांपल बना नेक्स्ट स्टेप पे बना लेना है। इस फ्लो चार्ट को देखकर हमने अब एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम में हमने देखा सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो यह हम पेपर पर लिखते हैं, तो इसलिए हम पेपर बना के तो हम लोग इसमें सेट ऑफ स्टेप्स लिख लेंगे। उसके लिए लाइनें में लगा देता हूँ। तो ये एल्गोरिदम, पहले हमें क्या पता है, प्रॉब्लम फ्लो चार्ट उसका बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम हम उससे बनाते हैं फ्लो चार्ट से। तो ये उसके बाद अब हमने ज़ीरो जो प्रोग्राम है उसकी कोडिंग कर लेनी होती है, और इसको उन्होंने यहाँ पर 001100 से शो कराया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये प्रोग्राम जब भी लिखा जाता है तो उसको कंप्यूटर जो है
इसे हम कर लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, तो ज़ीरो और वन जो है दो डिजिट्स बिट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर तो अपने सर्किट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसलिए हम उन्होंने इसकी ये शेप बनाई हुई है। तो ये प्रोग्राम, तो आपने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना, हमें पता चल जाए प्रॉब्लम क्या है, फ्लो चार्ट बना लेना, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं होती, लेकिन जब हम उसके सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं फिर इस सेट ऑफ स्टेप्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम, तो हमारा जो काम जो है वो आसान हो जाता है और सेट ऑफ स्टेप्स की मदद से। तो ये आपका रोल था इसके अंदर, इन्होंने फिगर के साथ शो कराया हुआ रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उन्होंने इसकी लेबलिंग की हुई है। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अब कि एल्गोरिथम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो प्रोग्रामर है, ये हमने प्रोग्राम जो लिखना है ये इस स्टेप्स को देखकर लिखना है, इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये स्टूडेंट्स एक्ट करता है एज अ गाइड फॉर द प्रोग्रामर, तो इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर प्रोग्रामर्स। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा इसमें हमें जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, तो वो सॉल्यूशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल जाता है, तो इट गिव्स या इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ It provides a complete description of the solution, problem solution of the problem solution यानी कि जो हमने solution निकालनी है उसकी complete description जो है हमें इससे मिल जाती है students। तो ये इसके points भी हमने देख लिए, उसको figure जो book में बनाई हुई है उसकी मदद से भी हमने उसको समय लिया। इससे पता चलता है अगर हम ये स्टेप स्किप कर दें तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए जो प्रोग्राम जो है वो बनाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लेंगे, ये स्पेशली जो तीन जो है वो इसमें चीज़ें आपने लिख लेनी है, याद कर लेनी है, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये थ्री पॉइंट्स जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने। तो ये टॉपिक के बाद हमारा अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। हमने फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, एल्गोरिथम को बनाना कैसे है, तो नेक्स्ट टॉपिक, मैं ये टॉपिक रेज नहीं कर रहा था कि आपको पता चले कि हमने डिस्कस आज ये किया था। तो फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, स्टूडेंट्स फॉर्मुलेशन में का मतलब होता है बनाना, तो हमने एल्गोरिथम को जो फॉर्मुलेट करना है बनाना है तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, नोटेशंस भी हम उसे कह देते हैं और कीवर्ड्स भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अब वन बाई वन उसको डिस्कस करना है।
तो मैं ज़रा इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, आपको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है जहाँ पर मैं ऑरली इसको साथ साथ डिस्क्राइब कर दूँगा। तो नोटेशन और उसका जो नोटेशन का मीनिंग है वो यहाँ हम लिखते जाएंगे साथ साथ, दो कॉलम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब पहली सबसे पहले जब हमने देखा कि हमने ये एल्गोरिथम एग्जांपल मैंने इसीलिए नहीं मिटाई थी कि हमने जो एल्गोरिथम पहले बनाया हुआ है इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहला स्टेप जो था वो आपने स्टार्ट किया है, जिससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो पहली नोटेशन यानी कि ये होती है, आप कह लें स्टूडेंट्स कि हमने स्टार्ट से जो है एल्गोरिथम को शुरू करना है। तो स्टार्ट क्या करता है, इट स्टार्ट जो है वो स्टार्ट कीवर्ड शोज, स्टार्ट शोज बिगिनिंग ऑफ, लॉजिकल बिगिनिंग को यह है शो कराता है। ऑफ एल्गोरिथम यानी कि अगर एल्गोरिथम के अंदर ये स्टार लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से अब जो है एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। इनपुट का वर्ड अगर कहीं लिखा गया, यहाँ पर जैसे हमने पोर टी लिखा तो यहाँ पर हम इनपुट भी लिख सकते थे, इनपुट टी इनटू द कैटल। तो स्टूडेंट इनपुट अगर लिखा गया है इट मींस कि अब जो यूज़र है उसने कोई डाटा जो है वो प्रोग्राम के अंदर सेट करना है कि इसको डाटा जो है वो रिसीव करे। तो इट यूज टू टेक इनपुट एंड स्टोर इट इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट एंड स्टोर इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। और ये मेमोरी के अंदर कुछ यूज करता है नाम वगैरह, बाई यूजिंग सम नेम कोई नेम जो है वो यूज़ करते हुए। जैसे अब हमने बात की थी कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबरों को ऐड करने का जो है वो एक एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर हमने 5 नंबरों को स्टोर कराना है। तो इनपुट ए बी सी डी ई एफ, तो हमने ए बी सी डी ई ये 5 जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, ये नेम है उस मेमोरी लोकेशन के जिसके अंदर हमने वो जो डाटा यूज़र पुट करेगा वो स्टोर होगा। तो इस तरह से इनपुट जो है वो ये इनपुट लेता है और इसे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा अब जो है अगला हम बात करते हैं तो सेट, इसका मतलब है ये है सेट, कीवर्ड हमारा है सेट। तो स्टूडेंट सेट का मतलब ये है सेट वर्ड, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये सेट आपने 5 नंबर्स को ऐड किया उसको सम फाइंड करना है, तो हम अब कह सकते हैं सेट सम टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये 5 नंबर्स हमारे पास हैं जिसका हमने, अब इसी को मैं इस तरह से अगर लिखूं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इसमें आपने जितने भी नंबर हैं 5 नंबर हैं तो 5 नंबरों को ऐड करना है और इसका आंसर जो है वो इस सम के स्टोर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने इक्वल के साथ कर ली, यहाँ पर हम इसको सेट के साथ कर सकते हैं कि सेट सम टू, यानी कि अब ये वेरिएबल हमने यूज़ किया कि जिसका जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इन 5
वेरिएबल्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, या हम इसमें नंबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो उसको जो आंसर सम करके आएगा वो सम कुछ जो है वो साइन हो जाएगा। तो इस तरह से सेट जो है इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा, इट इज़ यूज्ड टू गिव नेम टू डेटा, टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी यानी कि ये नेम देने के लिए डेटा को यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस कर ली ऊपर। अच्छा, अगर ये बात कर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सम करके पहले भी आंसर आया हुआ था तो उसको ये दोबारा से जब हम ऐड करेंगे तो ये उसको अपडेट कर लेता है। तो हम इन द कंप्यूटर मेमोरी इट अपडेट्स, जैसे आपने पहले से सेल का रिकॉर्ड रखा हुआ है, अब और मज़ीद सेल हुई तो अब जब नई सेल्स आप उसमें पुट करेंगे तो सेल्स के अंदर इजाफा हो जाएगा, पहले एग्जिस्टिंग जो सेल्स थी उसके अंदर अब मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और मसलन पहले 100 रुपये की सेल्स थी, 20 रुपये की और सेल्स हुई, तो अब जो पहले 100 रुपया था उसमें अपडेट होकर सेल्स को जो है वह 120 असाइन हो जाएगा। तो इट अपडेट्स द एग्जिस्टिंग डेटा आल्सो, यानी कि हम ये अपडेट भी करता है जो एग्जिस्टिंग डेटा है। तो इस तरह से, तो इसकी एग्जांपल क्या है, सम जैसे हम कहें कि सेट सम टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट जो है वो ये नोटेशन यूज़ कर जो हम करते हैं उसकी समझ आ गई, उम्मीद है आपको। अब जो अगली नोटेशन है स्टूडेंट्स, वो हमने इफ एल्स, आपको पता है कि इफ़ जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। तो अगर कहीं पर भी हमने कोई कंडीशन शो करानी है, जैसे हम कहें कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अब आप गौर करें तो इसमें फ्लो जो है ये ब्रांच बनाता है, एक स्टेप के साथ दूसरे स्टेप का जो है ये ब्रांच करता है। कैसे कि मसलन आपने कहा इफ़ इज़ ग्रेटर देन बी, अब अगर तो ये ट्रू है तो हमने ए को ग्रेटर शो कराना है, अगर ये फॉल्स है तो हमने बी को शो कराना है। तो इस तरह से आगे दो लाइंस जो हैं हमें मज़ीद उस फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के अंदर लिखनी होगी, और वो जो वैल्यूज़ होंगी उसकी आगे जो है वो पुट करेगा। यानी कि आप समझ लें कि इफ़ जो है वो आगे दो ऑप्शन दो कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद उसका फ्लो जो है आगे ब्रांच करता है स्टेप्स के अंदर एल्गोरिथम के। तो इट इज़ यूज्ड टू चेक द कंडीशन, इट इज़ यूज्ड टू चेक द कंडीशन इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिख लें कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब आगे हम इसका शिफ्ट करेंगे कि प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, एल्स जो है ये कीवर्ड है, ये ज़रूरी नहीं कि हम यूज़ भी करें, इसके बगैर भी काम चल जाता है। तो एल्स जो है ये एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता है जो कि इसके फॉल्स आंसर को शो कराता है, यानी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो हम ये प्रिंट ए कराएंगे, एल्स ग्रेटर इज बी। एल्स ग्रेटर इज बी तो शो करा देंगे कि ग्रेटर जो है वो बी है।
तो इस तरह से आपको इफ़ और एल्स का ये ऑप्शन दे देता है। इफ़ कंपल्सरी, एल्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है। इफ़ के साथ अगर कंडीशन लिखी है तो हमने उसको एवेल्यूएट करके आगे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो इफ़ और एल्स कंडीशन को शो कराने के लिए, चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आगे आ जाते हैं, गो टू अब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख दूँ बॉयल द वाटर गो टू स्टेप 9, तो ये क्या करेगा कि इस बॉयल द वाटर को करने के बाद स्टेप नंबर 9 हमारा है स्टॉप, तो ये स्टॉप कर देगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा किसी एक लाइन से ताल्लुक उठा के हमारा किसी और के साथ रब्ता जोड़ देना, इसको इसके लिए हम गो टू यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम सिंपल लिख सकते हैं, एल्गोरिथम। आमतौर पर ये करता क्या है कि इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट लूप्स, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट लूप। लूप आपको पता है कि जब क्या है लूप, क्या चीज़ होती है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्ले कर रहे हैं कोई वीडियो, तो ये यहाँ पर जो वीडियो प्ले हो रही है आप थोड़ा सा यहाँ पर एक टिक लगा लें और आगे जो है वो इधर। अब ये है कि ये हिस्सा बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा, तो इसे हम लूप कंडीशन कहते हैं। तो लूप कंडीशन में जो एल्गोरिथम है वो चंद स्टेप्स को बार बार रिपीट करता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम लोग गो टू स्टूडेंट ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं आउटपुट। आउटपुट बेटा डिस्प्ले कराता है रिजल्ट्स को, इट आउटपुट और डिस्प्ले और प्रिंट भी हम कह सकते हैं, इट प्रिंट्स द रिजल्ट्स, यानी कि ये रिजल्ट को शो कराने के लिए हम जब बात करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हम 5 नंबर्स को कह रहे हैं तो प्रिंट सम। अब प्रिंट सम का मतलब है कि ये अब सम को जो है वो शो कराए, उसके आंसर को शो कराए। इसी तरह सेल्स की बात कर रहे थे तो प्रिंट सेल्स या आउटपुट सेल्स हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यू रिजल्ट्स और वैल्यूज़, हम इसको वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो लास्ट हमारी नोटेशन है वो है स्टॉप। तो यहाँ पर हमने जैसे स्टार्ट किया था एल्गोरिथम को, इसी तरह से लॉजिकल एंड देना है ताकि इससे जो है वो हमारी फाइल जो प्रोग्राम आपने उसके बाद बनाना है तो टर्मिनेट हो जाए। तो इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट, अगर हमने टर्मिनेशन पॉइंट स्टेप जो है वो करना है कहीं जगह पर सेट, तो इट यूज़ टू, उसके लिए हम फिर स्टॉप यूज़ करते हैं। तो स्टॉप कीवर्ड इज़ यूज़ टू, इट इज़ यूज़ टू सेट टर्मिनेशन पॉइंट, किसी जगह पर जो है वो जो एल्गोरिथम का टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो करना हो ऑफ एन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स ये हमारी नोटेशन थी जो कि हमने यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो एल्गोरिथम्स हैं, तो हमने उसको कल इंशाल्लाह जो है वो करना है डिस्कस। तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।